Guys, today I got the chance to go back to my school after such a long time, and this time as the guest of honor at the annual function. And the thing is ki more often than not we students forget ki jaise school mein daanta hota hai when our elders scold us or yeah teachers hume kuch sunate hain kya hota hai ki there is a rebellion when we are kids when we are teenagers hamare andar ko rebellion ka bhav hota hai hum sunte nahi hain. कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ कहा जा रहा था हम ध्यान से सुनते नहीं है. तो इसमें मैं आई वुड लाइक टू टेल यू टू इंसिडेंट्स दैट हैपेंड विद मी. तब शायद सही से एक बार सुन लिया था तो आज यहाँ पे हूँ. तो व्हाट हैपेंड इज कि फिफ्थ क्लास की बात है. बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद स्कूल में ऐसे होंगे जिन्हें डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम दोनों से एक चाटा प्रॉपर मिला होगा. मुझे मिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. बात यह है कि फिफ्थ क्लास की बात है, वहाँ पे ग्राउंड के पास में एक एरिया था जहाँ पे बच्चे खेलने चले जाते थे. दैट वाज अ वेरी डेंजरस प्लेस, वहां से लोग गिर सकते हैं. वो स्टेयर्स एंड इट वाज वेरी अनसिक्योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैं देखा था बाकी बच्चे खेल रहे हैं. एक दिन जोश जोश में मैं भी चला गया, चलो हम भी खेलते हैं. दो तीन और मेरे जो दोस्त थे हम लोग साथ में थे. डायरेक्टर सर ने हमें देख लिया एंड थिंग वॉज कि सीताराम भैया वहां पे खड़े रहते थे, लोगों को रोकते थे कि यहाँ मत जाओ खेलने, गिर जाओगे तो गए. बट फिर भी हम लोग तो चले गए, हम लोग बात करनी थी. और डायरेक्टर सर ने देखा बाकी लोग तो भाग गए. मैं जानता था कि ये मेरा चेहरा जानते हैं, मैं भागा तो मैं पिटूंगा. मैं खड़ा रहा, मुझे पढ़ा अच्छे से. तो उस दिन जो पढ़ा तब बहुत बुरा लगा, लेकिन आज जब मैं रेट्रोस्पेक्शन में सोचता हूँ ना कि शायद उस दिन जो मुझे मार पड़ी बहुत सही पड़ी. बिकॉज जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो जो हमें बताते हैं, कई बार हमें डांट भी देते हैं, सुना भी देते हैं, इट्स ऑल फॉर आवर ओन गुड. हमें जो बताया जा रहा होता है उनके पास इयर्स का एक्सपीरियंस है, 20 साल 30 साल कितने साल उन्होंने वो सब देखा हुआ है जो आप अभी एक्सपीरियंस करने वाले हो. तो अगर एज ए स्टूडेंट आपको कुछ बताया जा रहा है, मोर ऑफन देन नॉट आपको सही चीजें बताई जा रही है, तो बस उसे ध्यान से सुने. हो सकता है आप तभी उसे ना समझ पाए कि आपको क्या कहा जा रहा है, लेकिन बाद में शायद आप उन्हीं बातों को समझ पाएंगे. जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई डांटा गया था तो सही डांटा गया था, मार पड़ी थी तो सही मार पड़ी थी. और अगर तब हमें नहीं डांटा गया था तब शायद लीनियंसी बढ़ती जाती. तो आगे वही अनुशासन की बात आती है, तब अगर हम पे हमें सही से अनुशासित नहीं किया गया होता तो आगे शायद हम बिगड़ जाते और वो सारी चीजें जो अच्छी कर रहे हैं वो नहीं कर पाते. तो ये चीज मैं बोलूंगा कि स्कूल में बहुत अच्छी है कि इन्होंने कभी कभी भी जहां पे सही बात थी वहां पे मुझे बोला गया. और एक अब इसके बाद का एक जैसे मैंने बोला ना कि दो स्लैब्स की बात बता. दूसरी बात है सेवेंथ क्लास की. तो इंस्पेक्शन जब होती है ना स्कूल में बहुत ही अलग माहौल होता है. सारे जो बच्चे होते एकदम बिल्कुल डरे से होते कि भाई सारी कॉपीज हमारी इंस्पेक्ट होंगी, हमारी सारी डायरीज इंस्पेक्ट होंगी, सब कुछ देखा जाएगा. बिल्कुल ही बच्चों के डर खौफ फैला कि कभी भी बिल्कुल बच्चे ऐसे तन के बैठे होते कभी भी कोई भी एक टीचर आ जाएगा तैयार रहेंगे. और टीचर्स के मन में भी थोड़ा एक वो फीलिंग होती है. तो सेवेंथ क्लास की बात है, टीचर्स जो थे उनको मुझ पर काफी विश्वास था. तो जैसे डायरीज रखी होती बहुत सारी इंस्पेक्शन के लिए ऐसे नीचे से लेकर टॉप. क्या हुआ कि मेरी डायरी तो मैम ने जो हमारी क्लास टीचर थी उन्होंने सबसे ऊपर रखी एंड शी थॉट कि भाई बिल्कुल सही होगी. और बात ये थी कि मैंने उसी डायरी में फ्रंट पेज पे कार्टून्स बना रखे थे और स्टिकर्स चिपका रखे थे. एंड उस टाइम में मुझे क्या लगता था, दिस इज आर्टिस्टिक फ्रीडम. बट सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये कि हर चीज का एक क्राइटेरिया लिमिटेड. आर्टिस्टिक फ्रीडम ड्रॉइंग बुक में दिखानी चाहिए, डायरी के ऊपर नहीं दिखानी चाहिए. तो मुझे याद है वो दिन प्रिंसिपल मैम आई, सबसे पहले उन्होंने देखा खोल के, अच्छा इतने बहुत गंदा लगा. तभी लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मेरी डायरी, उन्होंने तभी बुलाया, सीधे मुझे प्रॉपर एक मिला. तो वो जो तब मिला ना बहुत सही मिला. अगर उस टाइम पे मुझे डांट नहीं पड़ी होती, उस टाइम पे मुझे बताया नहीं गया होता भाई ये सही है ये गलत है, तो शायद मैं एक अलग ही बच्चा होता, मैं वही रिवेलियन में जी रहा होता. लेकिन सही टाइम पे सही बात बताई गई, इसलिए एक वो जस्ट होते ना प्रॉपर एक आ गया लाइफ में कि यार आई हैव टू फॉलो दिस, आई हैव टू बिकम लाइक दिस, वो चीजें मुझे समझ में आई. अगर तभी मुझे शायद ढीला छोड़ दिया गया होता, घर पे भी अगर नहीं बताई गई होती बहुत सारी बातें, तो आई डोंट थिंक कि जैसे कई आप जब लाइफ में आगे जाएंगे आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना होगा. इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस यू मेक. कई बार ऐसा होगा कि आपके पास चॉइस होगी कि आप आराम कर सकते हैं, आपके पास चॉइस होगी कि आप शायद आज इस चीज पे 2 घंटे ज्यादा दूंगा तो मे बी 2 years फ्रॉम नाउ दिस वुड हेल्प मी बेटर. तो इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस एंड आप जिस चीज को टाइम दोगे आप वही बन जाओगे.
वट यू डिवोट यूर टाइम टूवर्ड्स आप वही बन जाओगे. आप सोशल मीडिया का टाइम है, जब हम लोग 11th 12th में थे इतना नहीं था ये सब, एंड मोबाइल भी उतने नहीं थे, तो वी वर ब्लेस्ड इन अ वे कि हमारे पास सिर्फ बुक्स होती थी ज्यादा टाइम पास करने के लिए, और तब टेलीविजन भी हम लोग उतना नहीं देखा करते थे. बट अब क्या है कि यू हैव एंडलेस डिस्ट्रैक्शन, यू हैव मोबाइल, यू हैव इंटरनेट, यू आर कनेक्टेड 24/7. अब दिक्कत क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज मीडियम्स कैन बी यूज फॉर योर ओन गुड एंड एज वेल एज फॉर वेस्टिंग टाइम. आपके पास एक मोबाइल है, जब मेरे को याद है आई वाज इन 9th क्लास, तब इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो पूरे हफ्ते में जो डाउट्स होते थे ना, तब हम संडे को जाते थे साइबर कैफे, 10 रुपीज स्पेंड करके पूरे हफ्ते के डाउट्स गूगल पे सर्च करते थे. एंड द थिंग इज कि अब आपके पास हाथ में मोबाइल है, यू माइट हैव एंडलेस डाउट्स. आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपको ढूंढना है और चीजें सीखनी है. अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि मुझे चीजें सीखनी है, तो वो इतना अच्छा डिवाइस भी आपके पास होते हुए यू वोंट बी एबल टू यूज इट. आपके पास इंटरनेट है, यू हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज. मैं आज अगर यहाँ पर हूँ बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज मैंने उन चीजों को सीखा, मैंने देखा कि यार ये सब भी करा जा सकता है. लेट्स डिवोट टाइम टूवर्ड्स दिस रादर देन जस्ट मतलब उसको मजे के लिए यूज करना या फिर जस्ट टाइम पास करना, लेट्स जस्ट बिल्ड समथिंग ऑन इट. और यही चीजें आपको भी समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास अब एक बहुत कनेक्टेड एनवायरमेंट आ गया है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. पहले क्या होता था कि आप इंडिया में होते हैं, यार मेरा यार काम होगा इंडिया में लिमिटेड होगा. अब ऐसा नहीं है, यू हैव अ डिजिटल लैंडस्केप. आप यहाँ पे बैठे बैठे यू कैन वर्क ऑन अ ग्लोबल स्केल. द थिंग इज दैट. तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि रिस्ट्रिक्शन भी ठीक है, बट और फ्रीडम भी उतनी ना दे कि मतलब बिल्कुल ही चिल्ड्रन अलग ही चलाया, बिल्कुल अलग ही एक रास्ते पे निकल जाए. इतनी भी फ्रीडम ना दे, पर रिस्ट्रिक्शन भी इतनी मत कर दीजिए कि वो एक जो उसका ड्रीम है या जो चीज करना चाहता है वो ना कर पाए. एक बैलेंस बहुत जरूरी है. और मैं जानता हूँ कि आजकल पेरेंटिंग भी कितनी टफ है, बिकॉज आपका बच्चा भी, आप जैसे कई बार जैसे ट्यूशन भी पढ़ाता था कुछ टाइम पहले तक, तो मैं देखता था बच्चे जो है बिल्कुल ही, उनको बहुत सारे मीडियम्स मिल गए इंजॉय करने के लिए, चीजें देखने के लिए, सीखने के लिए. तो ये होता है कि फॉरगेट कि उनको टाइम कहाँ पे डिवोट करना है. आपके पास 24 घंटे हर दिन, आप वो 24 घंटे में सिर्फ सिग्निफिकेंट पार्ट जहाँ पे देंगे, ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, वो आप बनते जाएंगे. अगर आप अपना टाइम वेस्ट ही करते जाएंगे तो फिर कहीं एक सिग्निफिकेंट गोल नहीं आएगा. बट जैसे आज यू डिसाइड यार ये बनना है, चलो आज से बेबी स्टेप्स लेना शुरू करते हैं उसके ऊपर, तो दैट्स द थिंग. भले ही आप 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, डजंट मैटर. What matters is कि आप एक end goal decide करो, start working towards it, धीरे धीरे, rose, one step daily, उस एक end goal की तरफ, कि भाई I want to do this, चलो आज ये कुछ नया सीखते हैं related, अच्छा मेरे को अगर internet पे काम करना है, चलो आज इसके बाद में कुछ extra पढ़ता हूँ. तो that's what happens, कि अगर आप rose अपना थोड़ा सा time दोगे towards that final end goal, तो maybe आप ये नहीं होगा, आई वोंट से, आई वोंट प्रॉमिस किया आज अपने स्टार्ट करा तो 1 या 2 साल के अंदर, ऐसा नहीं होगा. एवरी ग्रेट थिंग टेक्स टाइम. आपको कुछ भी करना है आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. कई बार तो ऐसा लगेगा कि चीज हो ही नहीं रही है यार, क्या कर लो. बट व्हेन द ब्रेक थ्रू हैपेंस आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम, तब जो मजा आएगा, आई प्रॉमिस दैट विल बी वर्थ इट. थैंक यू.